एक साथ कई विधायकों ने फेंका अपना इस्तीफा, मचा बवाल। हिमाचल प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आम आदमी पार्टी संगठन को मजबूती देने में लगी हुई है। प्रदेश में आपका कुनबा बड़ा होता दिख रहा है। इसी कड़ी में आज कांग्रेस के प्रदेश सचिव करुण शर्मा ने थामा आम आदमी पार्टी का हाथ। करुण शर्मा हिमाचल के पालमपुर विधानसभा से एक बड़ा नामचीन चेहरा है। प्रदेश प्रभारी रत्नेश गुप्ता ने गर्मजोशी से दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी में शामिल कराया। करुण शर्मा ग्राम पंचायत सिद्धपुर से प्रधान रह चुके हैं, जो कि पालमपुर विधानसभा का एक बड़ा हिस्सा है। वो 1995 से 2021 तक लगातार प्रधान के पद पर हैं। प्रभारी रत्नेश गुप्ता के मुताबिक करुण शर्मा की ज्वाइनिंग से पार्टी को फायदा मिलेगा। ये बात साफ है कि हिमाचल के लोग के साथ कांग्रेस और बीजेपी के बड़े नेता भी अब भ्रष्टाचार मुक्त सरकार लाना चाहते हैं। जनता पूरी तरह बदलाव चाहती है। कांग्रेस और बीजेपी एक बार तेरी मेरी सरकार की पॉलिसी से परेशान हो गई है। करुण शर्मा पहली बार 2008 में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी पालमपुर का नॉमिनेट अध्यक्ष बना और दूसरी बार चुनाव जीतकर 2010 में फिर से ब्लॉक कांग्रेस कमेटी पालमपुर के अध्यक्ष बने। 2014 में संगठनात्मक जिला पालमपुर का पहली बार जिलाध्यक्ष भी बने। 2016 में फिर से संगठनात्मक जिला पालमपुर का जिलाध्यक्ष का पद संभाला। प्रदेश कांग्रेस कमेटी हिमाचल प्रदेश का प्रदेश के सचिव 2018 में भी बनाए गए। आम आदमी पार्टी प्रदेश कार्यालय में आज सैकड़ों लोगों ने प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से पार्टी के सदस्यता ली। प्रवक्ता गौरव शर्मा ने बताया कि आज प्रदेश अध्यक्ष अनूप केसरी ने पार्टी कार्यालय में सैकड़ों लोगों को पार्टी की सदस्यता दिलाई। वो पार्टी में आने पर उनका स्वागत व अभिनंदन किया। गौरव शर्मा ने बताया कि आज मीडिया जगत के दुरंधर फोटोग्राफर भाई प्रदीप ने पार्टी का दामन थामा व साथ में ठैयो क्षेत्र से उपेंद्र शर्मा, राजेंद्र शर्मा, विक्की, योगेश कालिया, विवेक टूटू से सतेंद्र कौर, शिमला से दलीप सिंह रोहड़ू, संजीव बबलू बरागटा, प्रदीप दीनदयाल, पचात सिरमौर, देवेंद्र कुमार लोअर खलीनी से शामिल हुए। पार्टी की नीतियों को देखते हुए लोगों का जनसैलाब पार्टी की तरफ उमड़ रहा है। वह केजरीवाल जी का दिल्ली मॉडल उनके सर चढ़कर बोल रहा है। पार्टी कार्यालय में कसुमपट्टी के अध्यक्ष गोपाल वर्मा व संगठन के विस्तारक सतीश जी भी उपस्थित रहे।